हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक गैलेक्सी में आपका स्वागत है। चलिए ये अब मेरा डिजिटल क्लॉक है, लाइन देने के बाद भुक 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 कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं लाइन देने में भुक भुक आ रहा है। चलिए इसमें जानेंगे क्या प्रॉब्लम। सबसे पहले हम इसे पलटा का सारा नट खोल लेंगे। उसके बाद हम इसका फ्यूज चेक करके आपको दिखाते हैं। इसके बजर पे हम सेट कर लेंगे, उसके बाद आपको हम फ्यूज चेक करके दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा फ्यूज भी ठीक है। चलिए हम इसे आपको पलटा के दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने खोल लिया है। चलिए आपको हम चेक करके दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले फिर से आपको हम चेक करके दिखा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, चलिए आपको हम इसे हम वोल्टेज नाप के आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बुक बुक कर रहा है, मेरा वोल्टेज आ रहा है, मेरा लाइन सप्लाई का वोल्टेज ठीक है। चलिए अब डीसी वोल्ट आप चेक करके, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा जहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए था, यहाँ पे मेरा 110 120 वोल्ट आ रहा है। चलिए आपको हम चेक करके दिखाते हैं। सबसे पहले किट का नट खोल लेंगे, किट को हम बाहर निकाल लेंगे। पहले किट से तार, जो डीसी वाला होता है उसे तार खोल लेंगे। चलिए हम बैटरी लेंगे जो कि 3.7 वोल्ट का होता है। इससे आपको हम चेक करके दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लगाने के बाद मेरा ये काम कर रहा है। जैसे आप देख रहे हैं मेरा सब चीज़ काम कर रहा है, सेकेंड वेकेंड सब काम कर रहा है, डेट भी सब बता रहा है। इसका मेरा किट खराब हो गया है। चलिए हम इसे, आप देख रहे हैं मेरा ये किट खराब हो गया है। चलिए इसे हम चेंज करें। इसमें हम लगाएंगे जो कि जो चार्जर में किट जो लगा हुआ रहता है उसी का चार्जर लगाएंगे हम इसमें। पहले वाला किट को खोल के हटा लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं मेरा चार्जर का किट है जो कि 5 वोल्ट सप्लाई देती है ये। चलिए हम इसे लगाएंगे। पहले वाला किट को खोल के हटा लेंगे। चार्जर में जो पिन रहता है हम उसे हटा लेंगे। चलिए अब इसका हम तार, जो कि चार्जर वाला किट है, उसमें हम तार सेट कर लेंगे। सबसे पहले हम लाइन वाला तार को जोड़ लेंगे। अच्छी तरह से जोड़ना है कि एक दूसरे से सटे नहीं। आप इसे इसलिए घर पे बना सकते हो अगर ऐसा प्रॉब्लम रहेगा तो। अब इसमें हम
जो बचा उसमें हम स्लीविंग लग पाए डाल देंगे, जो कि वायर मेरा सटेगा नहीं क्योंकि वहाँ पे एक फ्यूज वाला जो तार रहता है वहाँ पे कनेक्शन रहता है। चलिए आपको हम वोल्टेज नाप के आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप वोल्ट देख रहे हैं मेरे 4.38 वोल्ट दे रही है, बैटरी भी 3.7 वोल्ट दे रही थी। चलिए हम इसका जो कि डिस्प्ले वाला तार है को जूम करके हम दिखा रहे हैं, प्लस प्लस जोड़ेंगे माइनस माइनस जोड़ेंगे। पहले हम प्लस वाला जोड़ लेंगे, उसके बाद माइनस हम जोड़ेंगे। चलिए आपको हम चेक करके दिखाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं किट लगाने के बाद मेरा ओके हो गया, सब चीज़ सेकंड वकेंड सब बता रहा है, सब चीज़ काम कर रहा है। चलिए आपको हम सेट करके फिर चेक करके आपको दिखाएं। ग्लू स्टिक से हम उसे वहाँ पे टाइट कर देंगे कि ये उखड़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें नट लगा हुआ था, क्योंकि कट किट वो बड़ा हुआ था इसलिए हम इसमें ग्लू से अच्छा से चिपका देंगे। चलिए आपको फिर से हम चेक करके दिख रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरा काम कर रहा है, अच्छी तरह से फिट कर लेते हैं। चलिए उसके बाद हम इसका नट कस लेंगे, फिर आपको हम चेक करके दिखाएंगे। चलिए आपको हम चेक करके आपको दिखाते हैं। आप जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा काम कर ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।